तो पहला काम हमारा ये था कि हम यहां से नाम को चेंज करें। नहीं, ये इस वाले सेक्शन में हमारे नाम सारे फील हो, करेक्ट, कस्टमर के नाम फील हो, और हम यहां से वन बाय वन कस्टमर का नाम सेलेक्ट करें, ठीक है। और जैसे कस्टमर का नाम चेंज हो तो उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर और उसका ये सारे डिटेल चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू नेम, नहीं आधार नंबर वगैरह वगैरह। ये काम दिया गया था पहला आपको, तो कुछ काम हो चुका है, जरा देखते हैं उसको, वेरीफाई करते हैं कि क्या वो काम करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो नाम आ रहा है, वेरी गुड, करेक्ट नाम आ रहा है, सारे नाम आ रहे हैं। नाम चेंज करते हैं सकंदर, अभी ये क्या हो रहा है, है? फिर से पासवर्ड है, अनप्रोटेक्ट सीट, बोलो, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये 822111, हाँ, बिरासी 92 06, ये भी गड़बड़ है, ये कुछ अथी में डाला है क्या, नंबर नहीं है यहाँ पे, टेक्स्ट है कुछ, नंबर है, बोलो 822111, क्या डाल दिया, 829206, this password your supplier is not correct, supplied, verify the caps lock key and of the serial capitalized, क्या डाल दिया इसमें, तो देखो ना, हम तो वही डाल रहे हैं, बोलो क्या है, 829 21 था, 822111 822111 यही ना, तो ये तो नहीं है, सर 9875 ठीक है, ये था अभी, इसको आपको बताए थे ना कि कहाँ पे रखना है इसको, आपको नहीं बताए थे, प्रिपेयर में जा करके प्रॉपर्टीज में जाके अभी देखो प्रॉब्लम होने लगा ना आपको, ये याद है आपको कि यहाँ पे जाके आपका एक कीवर्ड का ऑप्शन होता है, यहाँ देखो आप इसको यहाँ रख दो तो ये तो गड़बड़ करेगा, तुम लोग फिर भूल जाएगा, खुद ही भूल जाएगा, काम क्या होगा फिर, चलो यहाँ ध्यान दो। तो अभी इसको हम चेंज करते हैं प्रमोद, तो प्रमोद को जैसे हमने चेंज किया उसका एड्रेस वेड्रेस चेंज हुआ, हुआ या नहीं हुआ, देखिए तो ये काम करेक्ट हो रहा है, ठीक है, नहीं इसमें किया क्या गया, तुम इसका नाम क्यों नहीं चेंज किया जी, सीट ये कस्टमर वाला था ना, सीट वन ही क्यों रहने दिया, इसका कस्टमर से चेंज कर देता, चलिए कोई बात नहीं, ये कस्टमर का लिस्ट है जिसमें उसके मोबाइल नंबर, पिन कोड और ये एड्रेस वेड्रेस और बैलेंस डी वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और यहां पे एक लिस्ट बनाया गया, लिस्ट याद है आप लोगों को, लिस्ट बनाया गया था कहां से बनाया गया था, डाटा के, डाटा वैलिडेशन से, डाटा वैलिडेशन के लिस्ट से, ये देखिए यहां पे डाल दिया गया इसको, जब ये डाला गया तो सारा नाम इस बॉक्स के अंदर, इस सेल के अंदर फील हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसने क्या फार्मूला लगाया है, इसमें नहीं हुआ है, यहां करेक्ट है,
कि लुकअप वैल्यू आपकी ये वाली है, यहां से लुकअप वैल्यू आया, ये रेफरेंस हो गया कॉलम नंबर टू और एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, तो ये क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बन रहा था ये एड्रेस में, पूरा एड्रेस होना चाहिए था, तो पूरा एड्रेस है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम विलेज टाउन लिया है, डिस्ट्रिक्ट लिया है, पूरा एड्रेस कंप्लीट एड्रेस था ना, जैसे यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है कि ए बी सी डी एफ बिल्डिंग, ये जो भी है स्ट्रीट नंबर और सिटी उटी, तो ये कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए था, मकान नंबर ये और ऐसे शॉप नंबर या दुकान का नाम वगैरह वगैरह, चलिए ये हो जाएगा, आप एड्रेस लिखे नहीं इसलिए नहीं हुआ। बहरहाल यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे फार्मूला सही लगा हुआ है, यहाँ पे भी सही लगा हुआ है। अब इसमें देखिए कॉलम नंबर टू उठ रहा है, इसमें कॉलम नंबर थ्री उठ रहा है, इसमें फोर उठेगा, इसमें फाइव उठेगा, करेक्ट है, तो ये फील करा दिया। वैसे यहाँ पे आपका जीएसटीएन नंबर, ये क्यों नहीं उठाया जीएसटीएन नंबर, इसमें कुछ नहीं करना है, आप एक को बना लो सिंपल, इसको कॉपी करो, यहां आओ और इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है, और सिर्फ आपको क्या चीज चेंज करना है, कॉलम नंबर चेंज कर देना है, करेक्ट। ये कहां आ गया, अच्छा हमको इसमें पेस्ट करना था ना, इक्वल टू नहीं, ऐसे सीधा, ठीक है। अब इसमें कॉलम नंबर कौन सा आ रहा है, दो, और हमारे पास जीएसटीआई नंबर का कॉलम नंबर कितना है ही नहीं, नहीं। क्यों नहीं लिखा, ठीक है, तो जो जीएसटी नंबर का कॉलम होगा वो कॉलम इंडेक्स नंबर हम वहां दे देंगे, वो डेटा फिल हो जाएगा उसमें, करेक्ट, यस सर, ठीक है। चलिए यहां तक कोई इशू नहीं, अच्छा यहां पे आते हैं, ये वही काम किया गया है। अब ये जो उठाया गया ये प्रोडक्ट से उठाया गया, यहां सेकंड वाले सीट से, ये ठीक है, पहले तो लिस्ट बना करके इसको फिल कर दिया गया, सारा डेटा चेंज हो रहा है, एचएसएन कोड आ रहा है, क्वांटिटी डालनी थी हमको, क्वांटिटी क्यों लिख दिया यहां पे, क्वांटिटी क्यों लाया, ये थोड़ी रहेगा, ये तो हम डालेंगे ना, ये तो डाला जाएगा ना कि कितना सेल हो रहा है, रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ये नहीं आएगा, यहां से इसको हटा देना है, ये इसमें जो लगाए हो ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये डाला जाएगा, पीस हो गया, रेट हो गया, टोटल अमाउंट भी यहां नहीं आएगा, ये क्यों यहां पे डाल दिया, डिस्काउंट ये भी नहीं होगा, डिस्काउंट हम अपने मर्जी से डालेंगे, डिस्काउंट भी ले लिया इसमें, नहीं ये डिस्काउंट नहीं आएगा, ठीक है, और ये कैसे लगाया फार्मूला, ये भी कैसे ले आया, ये गड़बड़ है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, जीएसटी का परसेंटेज आएगा, ये अमाउंट कैलकुलेट अभी नहीं होगा, एसजीएसटी 7% 8% अलग अलग एक ही होता है, और टोटल वैल्यू भी गड़बड़ है, ये नहीं आएगा। अब इसमें आपको फार्मूला लगाना था, टोटल अमाउंट के लिए इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है, अब जैसे हम यहां पे क्वांटिटी डालेंगे 5 40,000, ठीक है, डिस्काउंट अगर हम डाल देते हैं, एक बार इसको हम देखते हैं कि यहां पे क्या किया गया है, अच्छा डिस्काउंट का रुपया डाला गया है, तो डिस्काउंट का रुपया अगर है तो रुपया आप उठा के डाल दो, कोई बात नहीं, नहीं तो अगर डिस्काउंट का परसेंटेज होगा तो फिर परसेंटेज डालेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट कराएंगे। अब यहां पे क्या कह रहा है, मान के चलो सपोज करो कि हम यहां पे देते हैं 2%, ध्यान दो, यहां पे हमने डिस्काउंट में क्या कहा, 2%, ठीक है, तो क्या कह रहा है, अमाउंट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद अमाउंट कितना हुआ, इसका मतलब यहां पे डिस्काउंट को माइनस कर दिया गया, ठीक है, डिस्काउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, तो यहां पे क्या फार्मूला लगेगा, इक्वल टू नहीं, ध्यान दीजिए, पहले इतना का परसेंटेज निकालेंगे, इतना इंटू इतना, तो क्या निकल के आएगा, 800 रुपया, आया नहीं आया, तो अब हम पहले इसको क्या करते हैं, इतना माइनस
ब्रैकेट करा रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 40,000 में से माइनस करो 40,000 का 2%, तो आ गया 39,200। नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। ये क्या कह रहा है कि अमाउंट आफ्टर टैक्स, अब यहां पे हमने दे दिया 2%, ठीक है, 2% का मतलब हुआ 800 रुपया, नहीं हुआ 800 रुपया। अब यहां पे क्या कह रहा है कि डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट लाइए, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि 40,000 S31 में 40,000 है माइनस 40,000 का 2%, तो 40,000 का 2% मतलब यहां 800 निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ये वाला में 800 रुपया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा, और वो किससे माइनस हो जाएगा 40,000 से, तो मेरा हो जाएगा 39,200, करेक्ट, नहीं समझ में आ गया, वही है वही है वही है। देखिए यहां पे क्या किया है, 5,000 डिस्काउंट था, हम यहां पे परसेंटेज ले रहे हैं, डायरेक्ट 5,000 लिया था, तो 90,000 में से 5,000 माइनस हो तो 85,000 हो गया, वही काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या कराया इसमें परसेंटेज दिया, करेक्ट। अच्छा अब टैक्सेबल वैल्यू कितनी हुई, अब ये क्या किया है यहां पे, अच्छा अब फिर देखिए, अब इसका 9% निकाल दिया और माइनस करा दिया, चलिए यही काम हम लोग करते हैं, तो इस पे 7-8-7-15% टैक्स लग रहा है, यहां 7% है 8% नहीं, तो आप ऐसा कर लो कि इस पे पहले टैक्स निकाल लो इक्वल टू इतना का इतना परसेंट, और फिर से यहां पे इक्वल टू इतना का इतना परसेंट, करेक्ट नहीं, और उसके बाद यहां पे हम बोलते हैं इक्वल टू इतना नहीं माइनस, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एक, सॉरी, इतना माइनस इतना प्लस इतना, ब्रैकेट क्लोज, तो इतना टैक्सेबल वैल्यू, अरे इस अमाउंट का 7% निकाल लिए और इसी अमाउंट का 8% निकाल लिए, दोनों निकल गया, अब ये दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देना है, तो हमने क्या किया, यहां से ये वाला उठाया, ये वाला वैल्यू उठाया, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाया ओपन, माइनस का चिन्ह लगाया, ब्रैकेट ओपन, और इन दोनों को जोड़ करके वैल्यू ले ली, ये हो गया। अब टोटल वैल्यू क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं, टोटल वैल्यू में आपका किया गया है अमाउंट और टैक्स को प्लस कर दिया गया 85,000 में, फिर ये दोनों जोड़ दिया गया, ठीक है, वही काम कर लेते हैं, इक्वल टू इतना इतना ही आना चाहिए हमारे पास, तो ये कैसे लाया है, छ 12, ओके, ये और ये और ये टैक्सेबल वैल्यू ऐड हुआ, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ध्यान दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यू ऐड होगी, तो टोटल आपका ये वाला वैल्यू आ जाना चाहिए, चलिए इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना 39,200, करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात यहां तक, अच्छा अब हमको करना क्या, ये हमारा बिल पूरा प्रिपेयर हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, जिसमें जिसमें हमने फार्मूला लगाया है वो सारे फार्मूले को हम यहां पे ऑटोफिल करा देंगे, क्योंकि हमको और भी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए, चाहिए। अब देखिए जब हम इसको ऑटो फिल कराएंगे तो क्या होगा, पहली चीज तो आपने ये किया है कि आपका सेकंड वाले में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको करना यह चाहिए था कि जब आप लिस्ट बना रहे थे, तो हम आते हैं वैलिडेशन में और डेटा वैलिडेशन में, ये लिस्ट वाले को एक बार कॉपी कर लेते हैं
और इसको हटा देते हैं। ओके, अच्छा हटाने के लिए अब क्या होगा, जब आपको हटाना है तो एनी वैल्यू करना पड़ेगा यहाँ पे, याद रहे, नहीं तो ऐसे बंद नहीं होगा ये। अगर आप लिस्ट में ही जाके और इसको ब्लैंक छोड़ के ओके करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे बोलेगा मस्ट इंटर ए सोर्स, तो इसको बंद करने के लिए यानी खत्म करने के लिए आपको एनी वैल्यू करके ओके करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। अब आपने क्या करना था, यहां से जो भी आपका नीचे का डेटा है यहां तक पूरे को सिलेक्ट करो, आपको सब में चाहिए ना, हमारे पास अगर 10 आइटम बिकना है तो 10 आइटम के लिए 10 रॉ चाहिए कि नहीं चाहिए, सब में हमको सेलेक्ट करना अलग अलग नाम, तो पूरे को सेलेक्ट करो और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आप डाटा वैलिडेशन में जाओ और अब यहां पे आके लिस्ट दो। हम वहां से कॉपी कर लिए थे ना, तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सिंपल वही चीज हो गया। लेकिन इसमें फर्क क्या हुआ कि आपने एक सेल सेलेक्ट किया था, इस बार हमने ज्यादा सेल सेलेक्ट किया है। अब हम कहते हैं ओके, तो अब आप देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। क्लियर हो गया कहानी, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है नहीं है? ओके, कहीं पे भी हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमको इसको फील करा देना है कि जहां पे भी चीजें चेंज हो उसके अकॉर्डिंग यहां पे चीजें फील हो। क्लियर, चलिए यहां तक सेव कर देते हैं।